यू कैन प्ले एनीथिंग. यू कैन प्ले एनीथिंग. नो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, बोलने का तरीका, दिखने का स्टाइल, हर चीज अलग होती है. इसलिए हर एक कैरेक्टर के लिए अलग कास्ट को रखा जाता है. रियल आर्टिस्ट डोंट डू कमर्शियल्स. कमर्शियल्स ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. रियल आर्टिस्ट भी कमर्शियल करते हैं, और ये कोई भी स्टेरियोटाइप है कि एक आर्टिस्ट या फिर एक रियल एक्टर कमर्शियल्स नहीं करेगा. अगर आप करना चाहते हैं, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं या फिर अर्न करना चाहते हैं, तो कमर्शियल इज अ गुड ऑप्शन. थिएटर एक्टिंग इज सुपीरियर टू फिल्म एक्टिंग. थिएटर एक्टिंग और फिल्म एक्टिंग दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं. आप दोनों को इक्वल स्टेज पे नहीं देख सकते. थिएटर एक्टिंग एक लाइव परफॉर्मेंस होती है और फिल्म एक्टिंग एक कैमरा परफॉर्मेंस, जिसमें आपके क्लोजअप्स, आपके एक्सप्रेशंस को देखा जाता है. थिएटर एक्टिंग में आपकी आवाज को देखा जाता है, आपकी लाइव परफॉर्मेंस को देखा जाता है. आप उसमें गलती नहीं कर सकते. यहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो दोनों ही एक अलग अलग चीजें हैं. कोई भी सुपीरियर नहीं होता. यू आर टू ओल्ड टू गेट इनटू एक्टिंग. This is the biggest stereotype. आप किसी भी उम्र में एक्टिंग कर सकते हैं. आप 60 साल के हो या फिर 7 साल के, आप दोनों एजेस में एक्टिंग में आ सकते हैं. हर एक कास्ट के लिए हर एक एज की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप 60 इयर्स के हैं और वहाँ पे किसी ओल्ड इंसान की रिक्वायरमेंट, आप परफेक्ट होंगे. अगर आप बच्चे का रोल करने जा रहे हो तो 7 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट, आप परफेक्ट होंगे. आप एक्टिंग में किसी भी एज में आ सकते हैं. एज इज नॉट अ बाउंड्री गाइस. यू नीड टू बी ट्रिपल थ्रेड. ट्रिपल थ्रेड? नो ट्रिपल नो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग, तीनों चीजें आना जरूरी नहीं है. बॉलीवुड में काफी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको डांसिंग नहीं आती है, लेकिन वो बेहतरीन एक्टर है और हम सब उन्हें एडमायर करते हैं. अगर आपको सिंगिंग नहीं आती, डजंट मैटर. डांसिंग नहीं आती, डजंट मैटर. एक्टिंग आती है, वाओ गाइस. अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो सिर्फ आप एक एक्टर हैं. बॉलीवुड में ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैं तो बस कान पे हाथ करके कहना चाहूंगी, सब जानते हैं किसकी बात कर रही हूँ मैं. उनको डांसिंग नहीं आती, लेकिन वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि हर कोई उन्हें एडमायर करता है. एनी एजेंट इज बेटर देन नो एजेंट. एजेंट होना या फिर एजेंट ना होना, दोनों ही चीजें अलग अलग है. अगर आप किसी एजेंट के थ्रू एक्टिंग में जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. अगर आप इंडिपेंडेंटली जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. एजेंट होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बस एजेंट होने से आपको वो चीजें जल्दी मिलती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका एजेंट अच्छा होना चाहिए. अगर आप इंडिपेंडेंटली भी वही सारी चीजें कर सकते हैं, तो एजेंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ऑल अबाउट लुक्स. इट्स ऑल अबाउट लुक या फिर लुक डजंट मैटर गाइस. एक्टिंग में लुक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता है. कुछ पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन लुक्स हमेशा सामने नहीं रहते. अगर आप एक बेहतरीन एक्टर है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपके लुक्स पीछे चले जाते हैं और आपकी एक्टिंग हमेशा आगे रहती है. तो लुक्स डजंट मैटर गाइस, हटा दो इस चीज को. द क्रीम राइज टू द टॉप. क्रीम राइज टू द टॉप, यस. अगर आप क्रीम नहीं बनेंगे, सबसे अलग नहीं होंगे, सबसे स्पेशल नहीं बनेंगे, तब तक आप लोगों की नजर में कैसे आएंगे? अगर आपको सबकी नजर में आना है और एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर सबके सामने आना है, तो आपको क्रीम बनना होगा. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें. और एक्टिंग से रिलेटेड और भी क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं. बाय बाय.